थोड़ी सी काम करती है प्रशासन, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा आप रखें। संज्ञान लेना पड़ता है। एक महिला एंकर के साथ बैठकर आप लोग ये डिबेट कर रहे हैं, थोड़ी सी भाषा की मर्यादा आप सभी लोग रखें। मैं आप दोनों से देखिए एक ही बात कह रही हूँ, मैं एक ही बात आप दोनों से। आर्टिस्ट को ये क्या बोल रहे हैं? एम एच खान साहब जो आर्टिस्ट है जो हमारी कला के लिए जाने जाते हैं उनको एक तरफ तो दोगली बात क्यों करते हैं? आपकी सरकार दोगली बात क्यों कर रही है? एक तरफ आप उनके लिए क्या क्या बोल रहे हैं, एक तरफ उनको यशवंत जी नवाज रहे हैं। नेताजी तो अभी भी आप उनको यशवंत जी नवाज रहे हैं। अरे जी आपके पास एक मिनट के शर्मा जी अरे जी आपकी पार्टी के नेता एक मिनट मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दीजिएगा। आर्य जी, जी आप ही के पार्टी के नेता शफीकुर रहमान वर्क साहब ये कहते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र की सीमा बढ़ा देने से लड़कियां आवारगी करेगी। मेरा मुंह मत खुलवाइए, आज हमारे डिबेट का टॉपिक ये नहीं है। नहीं तो इसका नहीं महिलाओं तो सवाल नहीं, 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 नहीं है, ये सवाल की जरूरत नहीं है। जो डिबेट जिस विषय पे है विषयांतर कर देने से कोई उसका हल नहीं। खंडन करिए ना इस बात का। खंडन तो देखिए ऐसा है, इसको दूसरे रूम में देखिए, दूसरे रूम में देखिए। हमारा देश 80% से ज्यादा ग्रामीण अंचल में रहता है, ग्रामीण अंचल में रहता है, और उसमें इस तरीके से कानून थोपने से क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश में आपने आप ये बोलिए, आप खंडन करते हैं इस बयान का, शफीकुर रहमान वर्ग के बात का खंडन करते हैं। आप बोलिए देश की गरीब जनता जो गांव देहात में रहती है उसके अकॉर्डिंग से आप देखिए क्या सही है क्या गलत है। सही है ही नहीं। मैं बात आगे बढ़ाऊंगी, आदि हसन जी के पास जाऊंगी। आप खंडन करिए इस बात का। आर्य साहब अगर आप कहते हैं कि हाँ ये बयान गलत है, आप खंडन करिए। भाषा की मर्यादाओं पर आप बात कर रहे हैं ना, आप खंडन करिए। नहीं नहीं तो जो भी अगर कानून पेश किया जा रहा है तो उसको जनहित को देखते हुए आप उसकी व्याख्या करिए कि 80% की देश की जनता ग्रामीण में रहती है और उनके केस हिसाब से अखिलेश यादव थी उससे आप केस बढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव तक इस बयान का खंडन कर चुके हैं, आप भी थोड़ा ईमान दिखाइए, आप बोलिए कि हाँ हम खंडन करते हैं इस बयान। नहीं नहीं क्या पहले हमें दिखाया जाए वो बयान, क्या बोला उन्होंने दिखाइए चलाइए, हमने देखा ही नहीं। शफीकुर रहमान का आप बयान देखना चाहते हैं? दिखाइए। ये तो महिला विरोधी पहले से रहे हैं, इनके तो ये सवाल अरे रहने दीजिए, ये हरण किया है। आप पांडव के रूप में कौरव कौरव है, कौरव इस प्रदेश की देश की जनता ने देखा कि आप कौरव हैं, महिलाओं का चीर हरण किया है। जिला पंचायत के चुनाव में आपने वोट आप 6 बजे इंडिया टीवी पर कुरुक्षेत्र देखेगा, आप 6 बजे इंडिया टीवी पर कुरुक्षेत्र देखेगा। बेटी को जिंदा जला दिया रात को 2 बजे, रात को उसको जिंदा जला दिया। बदायूं रेप कांड भूल जाए, लड़कियों की हत्याएं भूल जाए, मुजफ्फरनगर दंगा भूल जाए, कैराना भूल जाए, तो क्या ये एक मिनट अब मैं मुद्दे को नहीं भटकाना चाहती, प्लीज मुद्दे को मत भटकाइए। जो विषयांतर आप खुद ही करना चाहती हैं एम एच खान साहब मैं फिर से आज के मुद्दे पर आती हूँ। ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? मैं फिर कहती हूँ आप तीन दलों का मुद्दा एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को हराना। कैसे हराएंगे? अगर एक लक्ष्य के साथ चलेंगे लेकिन अलग अलग रास्ते पकड़ेंगे। नहीं देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। जो गठबंधन हुए उसको बड़ा अच्छा तजुर्बा नहीं हुआ, और 2007 में हमने बिना गठबंधन के ही पूर्ण बहुमत सरकार बनाई थी, और मैं अब उसी फार्मूले पे हम लोग आ गए हैं। अब उसी फार्मूले पे अब हम चल करके सब सबका साथ सबका विकास वाली झूठ नारा नहीं देंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके सबको लेके साथ 2022 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। अब आप देखिएगा अंडर करंट है जनता के अंदर, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, पेट्रोल के दाम डीजल के दाम कहां जा रहे हैं, हत्याएं महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है, महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है। किसी भी चीज पे अगर देखिए योगी आदित्यनाथ के काम से अगर प्रधानमंत्री संतुष्ट होते तो प्रधानमंत्री पूरे लाव लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश में डेरा नहीं डालते। इसलिए प्रधानमंत्री जी मान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ के नाम पे चुनाव नहीं हो पाएगा, हार रहे हैं हम, इनका इंटेलिजेंस बता रहा है कि चुनाव हार रहे हैं पूरी तरह से। तो ये चारों तरफ से सात लोग, यही लोग पश्चिम बंगाल में 40 सभाएं करे थे योगी आदित्यनाथ जी जाके पश्चिम बंगाल में, और 40 से 50 सभा प्रधानमंत्री ने किया था, अमित शाह परमानेंट वहीं डटे हुए थे, नड्डा जी डटे हुए थे, क्या हाल हुआ वहां पर? आप जनता का नस जब तक भाई आप भलाई करेंगे आपका कोई वोट नहीं करेगा, आपको कोई नहीं सत्ता बैठाएगा। आपने जब कहा कि तीन कानून किसानों के लिए अच्छा है तो फिर आपने वापस लिया अच्छा अच्छे कानून को, इतना बैक जाने की जरूरत नहीं थी। आपने बिना सोचे समझे बिना पार्लियामेंट में डिस्कस किए बिना किसानों से बात किए हुए बिल पास कर दिया, और फिर बिना किसानों से बात किए हुए बिल वापस ले लिया।
ये तानाशाही रवैया जो है भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी और आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने औरंगजेब का नाम लेकर के और शिवाजी का नाम लेकर के और योगी जी कहते हैं बजरंग बली हमारे अली तुम्हारे कह करके ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, तो ध्रुवीकरण नहीं चाहती। आदमी को दो रोटी चाहिए, खाना चाहिए और धर्म और समाज अपना व्यक्तिगत आस्था है उसको करेगा आदमी, जिसको करते आया पूरे हिंदुस्तान के लोग करते आए हैं। रोटी चाहिए ना भाई, महंगाई को कम करिए। और खाद जो किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, एक बोरी खाद में 5 किलो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।